हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियाँ। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज भी हम सभी के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। जैसे कि आप सभी को पता है, हर दिन इस प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम कक्षा एक और दो के लिए और दूसरे हिस्से में कक्षा तीन और पांच के बच्चों के साथ बहुत सारे खेल, कुछ कहानी और कविता बाल गीत सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। हाँ हाँ बिटिया, हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अरे भाग्यवान, तुम किससे बतिया रही हो? यहाँ आओ, प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ हाँ, आई थे। हमारे मामा जी का फोन आएगा वारा है मेरठ से, उन्हीं से बतियाई रहन। बहुत दिन हो गए उनसे मिले। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, इस लॉकडाउन ने तो इंसान को घर में कैद करके ही रख दिया है। अरे अरे, आप दोनों बेकार ही परेशान होते हैं। लीजिए एक कविता सुनाती हूँ आप दोनों को। आप कविता सुनिए और अपना मूड ठीक कीजिए। बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला, पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला, पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। ये लो भाग्यवान, कोमल ने तो तुम पर ही एक कविता बनाकर तुम्हें ही सुना दी। नहीं नहीं, ये पहले की कविता है और इसे आलिया ने सुनाया है। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, हमका भी ऐसा ही लागत है। नहीं चाची जी, मैंने बताया ना, ये आलिया की कविता है। खैर, आप लोग इनसे मिलिए। ये सोनम है, ये बरेली से है और आज ये हमारे साथ जुड़ रही है। हेलो सोनम, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और खेलते हैं कोई प्यारा सा खेल। लेकिन आज का खेल हमें कौन करवाने वाला है? आज का खेल हमारी चाची जी खिलाने वाली हैं। हाँ, हम बता दे थे खेल के नियम। आज का खेल गणित से संबंधित है और आप लोगों का फटाफट से जवाब देगा है। तो बताओ सोनम, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और तुम 4 रुपए का सामान ले ली तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? 10 रुपए में से 4 रुपए खर्च हो गए
तो मेरे पास बचे 6 रुपए। शाबाश सोनम बिटिया। कोमल, अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास 15 रुपए हैं और तुमने 4-4 रुपए की 2 टॉफी खरीदी, तो दुकानदार तुम्हें कितने रुपए वापस लौटाएगा? चाचा जी, दुकानदार मुझे 7 रुपए वापस करेगा। वेरी गुड कोमल, अब एक सवाल तुमसे भी पूछ लेते हैं, नहीं तो तुम नाराज हो जाओगी। तो जरा बताओ, तुम्हारे पास 20 रुपए हैं और तुमने मुझे 15 रुपए दे दिए, तो तुम्हारे पास अब कितने रुपए बचे? अजी, हमारे पास तो 5 रुपए ही बची हैं। चाचा जी, मुझे लगता है खेल बहुत हुआ, अब थोड़ी कहानी सुन ली जाए। हाँ कोमल, हम भी यह बोले वाले रहे। नेहा बिटिया, आज तुम हम सबके लिए कौन सी कहानी लाई हो? हाँ दीदी, जल्दी से एक कहानी सुनाओ ना, मुझे भी कहानी सुननी है। आज भी मैं आप सभी के लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है आम का बंटवारा। अरे वाह, कहानी का नाम तो बड़ा ही रोचक है। अब तो इस कहानी के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। अच्छा, तो इसी बात पर, इस जिज्ञासा पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और सुनते हैं हमारी कहानी। आम का बंटवारा। आकाश काले बादलों से ढक गया था, तभी तेज आंधी आई। बबलू दौड़कर आम के बगीचे में पहुंचा। महा, मीता, रिजवान, जिरेन और गुल्ली टोकरी लिए खड़े थे। सब मजे से आम चुन चुन कर टोकरी में रखने लगे। सबने मिलकर 50 आम इकट्ठे किए। कच्चे आम पे नमक लगा कर खाने के बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी आने लगा। आंधी रुकी और बारिश होने लगी। बच्चे भीगते भीगते टोकरी लेकर घर की तरफ दौड़े। घर पहुंचकर पांचों दोस्तों ने आम बराबर बांट लिए। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? भाई मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। हाँ दीदी, मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको ये पता है मेरे पास भी एक कुत्ता है, इसका नाम शिशु है। अच्छा सोनम, तो तुम्हें भी अपने डॉगी के साथ खेलना अच्छा लगता होगा। यह कहानी तो तुमसे कुछ कुछ जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। हाँ, और अब समय हुई गवाह है कहानी पर गपशप करने का, या यूं भी कह सकते हैं कि सवाल जवाब करे का। हाँ हाँ, मुझे भी पता है और मैंने तो सवाल भी सोच रखे हैं। अब सोच ही लिए हैं तो पूछ ही लेते हैं। अरे तुम ही बता दो ना कि डब्लू क्यों और कहाँ भागा था? बबलू आंधी आए पर आम के बाग की तरफ भागा। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाग्यवान तुमने। अब ये भी बता दो कि जब डब्लू वहाँ पहुँचा तो कौन कौन पहले से वहाँ था? वहाँ जिरेन, गुल्ली, नीता और हाँ विश्वाहन पहले से मौजूद रहे। अब तुम हमरे एक सवाल का जवाब दो, सबके मुँह में पानी काहे आवे लगा? आलिया की अम्मा, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह कच्चे आम की चटनी के बारे में सोचकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। सही कहा आपने, मैं भी जानती हूँ कि चाची जी को कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद है। अच्छा सोनम, आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए सबने मिलकर कितने आम चुने थे और प्रत्येक के हिस्से में कितने आम आए होंगे? जी दीदी, सबने मिलकर कुल 50 आम बीने और बराबर बांटने पर हर एक के हिस्से में 10 आम आए होंगे। वेरी गुड कोमल बिटिया, तुम तो बहुत ही होशियार हो। सब लोगों को पता ही होगा कि अब हमें क्या करना है। बिटिया, अब हमें एक्सपर्ट का फोन मिलाए का है, उनसे बात करे का है और कहानी पर जो विचार वो दे हैं उसे ध्यान से सुने का भी है। बिल्कुल सही कहा चाची जी। तो चलिए इसी बात पर हम फोन लगाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सहज सरकार जी को। हेलो सहज जी, कैसे हैं आप और कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारे साथ इस वक्त रेडियो पे कई सारे बच्चे जुड़े हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है। प्यारे बच्चों नमस्ते,
जल्दी जल्दी दौड़िए, आम का बंटवारा हो ही गया है। रिजवान ने भी आम अपने हिस्से के प्राप्त कर लिए और मोना को देखो, वह भी अपने आम खाने ही वाला है। क्या आप सबको आम का बंटवारा कहानी सुनकर मजा आया? कितने आम थे, किसी ने इस बात पर ध्यान दिया क्या कि रिजवान, अमीशा, मोना, सोनू, गोलू, चिंटू, पिंटू, रानू सभी लोग क्या आम पसंद करते हैं? और आम की कहानी सुनते सुनते क्या उन्होंने इस कहानी में आम के बंटवारे की बात का कभी सोचा है? मुझे तो लगता है कोई भी इतने सारे आम प्राप्त करके उनका बंटवारा करना नहीं चाहेगा, लेकिन क्या यह सही है? हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए और हमारे पास जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, जो खेल खिलौने होते हैं, उन्हें अपने भाई बहनों में और दोस्तों में आपस में बांट कर ही उनका उपयोग करना चाहिए। शायद यही कहना चाहती है आज की कहानी। मुझे लगता है आप सबको यह कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कहानी के प्रति अपने विचार हम सबके सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको भी आपके विचार बहुत सराहनीय लगे। हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी लोग कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां कक्षा 3 से 5 के बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपके साथ खेलते हैं खेल और सुनते हैं कहानी। तो बच्चों, आज का खेल मैं करवाने वाला हूँ और आज का खेल खेलकर आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। अरे वाह, तुम तो अंतर्यामी भी हो गए हो, जो खुद ही पता लगा लिए कि मजा आए वाला है। और अगर मजा नहीं आया तो? ऐसे कैसे मजा नहीं आएगा, खेल ही कुछ ऐसा है कि मजा जरूर आएगा। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो देख लेत है। तो बताओ खेल का है और कैसे खेले का है? खेल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसे शब्द बताने हैं जो हमेशा जोड़े में आते हैं, जैसे जूते, जुराब। मुझे भी पता है, ताला, चाबी, भी खाना पीना। हम भी जानते हैं बिटिया, जैसे चूल्हा चौका और खिड़की दरवाजा और काम काज। और हाँ, वो भी तो आते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ याद आया, कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल। बिल्कुल सही। अरे तुम कप और प्लेट को तो भूल ही गए। चाची जी, हिसाब किताब भी तो है। मुझे लगता है आप भूल गई हैं। अरे अगर वो नहीं होगा तो फिर सब बिना हिसाब किताब के होगा, फिर देख लीजिएगा। अरे हाँ हाँ बिटिया, ये तो बिल्कुल सही बोली हो, लेकिन अभी भी और कई शब्द ऐसे हैं जो साथ आते हैं। तुम दोनों ने भी तो बताया है अभी तक कई शब्दों को, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, भांग धतूरा, भाईचारा, ऐसे ही अनेकों बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। अरे वाह, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो। चाची जी, आज तो सच में चाचा जी ने कई शब्द बता दिए हैं। मुझे लग रहा है आज चाचा जी बहुत सारी शब्दावली वाली किताब रट कर आए हैं। चलो अच्छा है, इस बहाने इतने सारे नाम तो बताए। मजा आ गया, ये खेल सबसे अलग था, मैं इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेलूंगी। सुना भाग्यवान, मैंने जो खेल करवाया उसे खेलकर सबको मजा आया कि नहीं? हाँ हाँ, मान गए सबको मजा आया और हमको भी आया। लेकिन अब का खेल पर ही अटके रहोगे या कोई कहानी भी सुनाओगे? आज आप लोगों को कहानी मैं सुनाऊंगी, कहानी बहुत ही अच्छी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। बिटिया, अगर बात ऐसी है तो जल्दी से कहानी शुरू कर दो, क्योंकि उसके बाद हमसे इंतजार नहीं होता। अरे अरे, ऐसे कैसे कहानी शुरू कर दें? पहले कहानी का नाम तो पूछ लो। कहानी का नाम है रंग बिरंगी किताबें। जरा अनुमान लगाइए
और बताइए कि कहानी में क्या हो रहा होगा। किसी लाइब्रेरी की कहानी लागत है बिटिया, क्योंकि वहाँ भी रंग बिरंगे बहुत सारी किताबें होते हैं। यह किसी बच्चे की भी कहानी हो सकती है जिसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी किताबें हों। बहुत बढ़िया, लगता है सबने अपने दिमाग में कोई न कोई कहानी तो बना ही ली है, सबने अनुमान लगा लिया है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में आखिर है क्या। तो फटाफट से अब इस कहानी को सुन लेते हैं। स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। निम्कू सोच रहा था कि कब घंटी बजेगी। उसके पिताजी ठेला लेकर स्कूल के बाहर आ गए थे, तभी घंटी बजी। सभी बच्चे बाहर की तरफ भागे। निम्कू दौड़कर अपने पिताजी से लिपट गया। वह ठेले पर बैठ गया। दोनों एक बड़े घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के दरवाजे पर ढेर सारी चित्रों वाली किताबें, प्लास्टिक के सामान और खिलौनों का ढेर लगा था। किताबें देखकर निम्कू की आंखें चमक उठीं। फिर दोनों बोरे में सामान भरने लगे। पिताजी ने बेकार सामान के बदले कुछ रुपए दिए। फिर निम्कू और उसके पिताजी सामान से भरे ठेले को घर की तरफ लेकर चल पड़े। घर आकर निम्कू ने जल्दी से एक रंगीन किताब निकाली और पढ़ने बैठ गया। देखा दीदी, मैंने कहा था मेरा अनुमान किसी कहानी को लेकर बिल्कुल सही था। हाँ सोनम बिटिया, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। कहानी तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल इधर से उधर, उधर से इधर और जाने किधर किधर घूम रहे हैं। काहे इतना गोल गोल घुमा रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना कि तुमको अब सब लोगों से सवाल पूछे का है। क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार होती जा रही हो। लगता है ये मेरी ही संगत का असर है। तुम अब ज्यादा बातें ना बनाओ और सवालों पर ध्यान दो। सब लोग सवालों का इंतजार करते हैं और तुम्हारे हर सवाल का जवाब हम लोग अच्छे से दे वाले हैं। तो ठीक है, पहला सवाल तुम्हारे लिए ही है। बताओ तो जरा अंदाजा लगाकर कि निम्कू के पिताजी क्या काम करते थे। कहानी सुनकर हमको तो यही लगा कि उसके पिताजी भंगार यानी कबाड़ का काम करते रहे। हाँ चाची जी, मेरे दोस्त के पिताजी भी यही काम करते हैं। दूसरा सवाल कोमल के लिए है। कोमल, जरा तुम बताओ निम्कू छुट्टी का इंतजार क्यों कर रहा था। छुट्टी के बाद निम्कू के पिताजी उसे लेने आते थे, फिर वो अपने पापा के साथ उनका हाथ बटाने चला जाता था और उसे मजा भी आता था, लेकिन वह छुट्टी होने का इंतजार करता ही रहता था। सोनम बिटिया, अब तुम्हारी बारी है, जरा तुम बताओ घर के बाहर क्या क्या सामान रखा था। घर के बाहर बहुत सारे चित्रों वाली किताबें, प्लास्टिक का सामान और खाने खिलौने रखे थे। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए भी एक सवाल सोचा है, जरा बताओ तो निम्कू क्यों खुशी से उछल पड़ा। अरे चाचा जी, अभी समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, हमें आगे भी बढ़ना है। पर खैर, आपने अभी सवाल पूछा है ना, तो मैं जवाब दे ही देती हूँ। इस सवाल का जवाब होगा कि निम्कू ने जब ढेर सारी चित्रों वाली किताबें देखी तो वो उछल पड़ा, है ना? अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी कविता की तरफ, यानी इंग्लिश राइम की तरफ। E-I-E-I-O. And on the farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a bow wow here and a bow wow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow wow. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some cats, E-I-E-I-O. With a mew mew here and a mew mew there, here a mew, there a mew, everywhere a mew mew. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack there.
everywhere a quack quack. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. क्यों चाची जी, कैसी लगी आपको इंग्लिश राइम? अरे बिटिया, ये भी कोई पूछे वाली बात है। राइम तो बहुत बढ़िया रही। ये राइम में जितने भी जानवरों के नाम आए हैं, हमका उस सब पता है। अच्छा, इसका मतलब तुमने बड़े ही ध्यान से राइम को सुना है। और का बिल्कुल सुना है, और बाकी सबका भी ध्यान से सुनने का चाहिए। तो ठीक है, जरा बताओ तो कि तुमने क्या सुना है और क्या समझा है? हमका कछु वर्ड सुनाई दिए जिनका मतलब हम जानित हैं, जैसे डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता, और कैट, कैट का मतलब बिल्ली, काओ, काओ का मतलब गाय, और डक। हाँ बिटिया, डक का मतलब बत्तख होवत है। मैं भी बताऊं, ग्रैंडफादर का मतलब दादा जी और फार्म का मतलब खेत। बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने, और सोनम आपने भी। यहाँ ये बताया गया है कि दादा जी के खेत में कौन कौन से जानवर हैं। कोमल बिटिया, तुमने बहुत दिन से कोई पहेली नहीं पूछी, आज कोई पहेली पूछो ना। क्या पहेली? अरे नहीं नहीं चाचा जी, हम लोग कुछ और अच्छा खेल खेल लेते हैं ना। पहेली से भी अच्छा खेल, कितने सारे खेल तो होंगे ही, पहेली की क्या जरूरत है? अरे नेहा, सही तो बोल रहे हैं चाचा जी, इतने दिन हो गए हैं कोई पहेली भी नहीं पूछी किसी ने। चलो आज मैं ही एक पहेली पूछती हूँ, आप लोग उस पहेली को सुलझाना। हाँ हाँ बिटिया, तुम पूछो तो सही, जरूर सुलझा दूंगा मैं तुम्हारी पहेली। अच्छा तो फिर ठीक है, बताइए जरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्यास लगने पर पी सकते हैं, भूख लगने पर खा सकते हैं, और हाँ ठंड लगने पर उसे जला भी सकते हैं। तो बताइए जरा, आप में से कौन बताएगा? नेहा आप बताएंगी? सोचने दो। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो इसे खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो इसे जला भी सकते हैं। मुझे तो इसका कोई हल सूझ नहीं रहा। क्या हो सकता है ये? चाचा जी आप कोशिश करें ना, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता आपको समझ में आए। हाँ हाँ बिटिया, सोच रहा हूँ, अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। कोमल बिटिया, कहाँ से लाती हो ऐसी खतरनाक पहेलियाँ? मेरी तो दिमाग की सभी नसें हिल गई हैं। अब तुम ही बता दो इसका क्या जवाब होगा। अरे चाचा जी ये बहुत ही आसान है, इसका जवाब है नारियल, क्योंकि नारियल को अगर प्यास लगे तो पी भी सकते हैं, भूख लगे तो खा भी सकते हैं, और हाँ अगर ठंड लगे तो नारियल के रेशे को जला भी सकते हैं। अरे वाह, थैंक यू कोमल। और प्यारे बच्चों, हमारा मन तो नहीं है जाने का, पर अब समय हो गया है तो हमें जाना पड़ेगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तो आप लोग घर पर पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू, लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।
सेवा में मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूल निकली गाँव गाँव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूल निकली गाँव गाँव में फिर भी क्यों अंधेर है। गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो, नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है, आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। खटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार है। लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। अंबर शंबर जोड़ घटाना, जैसे सीखे मंत्र चू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो, बच्चे कितना पढ़ लेते हैं, गांव गांव में बता करो, बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने, खेल खिलाओ कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने।